आप सभी का स्वागत है डेलीजेंट क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर हमारे पास क्या होते हैं, आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना है। जैसे कि आपको ए का स्क्वायर निकालना है तो क्या करो, ए को पकड़ लो और ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, ए का स्क्वायर। आपको अगर ए का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो पावर टू है इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहां पर एक्स और उसकी पावर एम है, क्या है, एम है। तो यहां पर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, और ऊपर यहां पर जो पावर एम लिखा है इसको हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, या इंडेक्स। ठीक है, तो ऊपर जो लिखी रहती है उसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे लिखा रहता है उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 to the power 2, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये बेस होगा, क्या होगा, बेस। और यहाँ पर ये जो 2 है ये पावर होगी, क्या होगी, पावर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक्स लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है इसको तो हम बेस बोलेंगे और ये जो यहाँ पर ऊपर 5 लिखा है इसको हम पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर। ठीक है, इतनी बात आपको आई समझ में। तो देखिए अब स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर उसको उसका निकालने का क्या तरीका होता है, आपको जिसका भी स्क्वायर निकालना है, जैसे कि आपको अगर बी का स्क्वायर निकालना है तो बी को बी से ही मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा होता किस लिए, अब देखिए बी है और यहाँ पर भी बी है। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बी लिखा है ये तो बेस है, ठीक है, और इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 1 होती है, कितनी होती है, 1 1। ठीक है, तो देखिए जब भी मैथ में जिनका बेस सेम होता है और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जो भी होती है ना उनको हमें ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड। ठीक है, तो बताइए 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ऐसे यहाँ पर जो पावर है वो 2 आती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक्स की पावर ए है मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए ये जो बेस है वो क्या है, एक्स है। यहाँ पर भी जो बेस है वो क्या है, एक्स है। तो इन दोनों में क्या सेम है, तो बेस सेम है। और हमारे पास ये किसका सवाल है, मल्टीप्लाई का सवाल है। तो जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का सवाल हो तो जो भी पावर होती है उसको आपको ऐड करना होता है। तो बेस को आपको वैसा का वैसा लिखना है और जो भी पावर होगी उसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर आप जैसे कि 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि इसमें इतने पूरे में और इतने पूरे में क्या चीज़ सेम है। तो आप सब बोलोगे कि बेस सेम है, क्या सेम है, बेस। तो बेस को आपको वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2, और इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो जो भी पावर होगी उसको आपको ऐड करना है। कब ऐड करना है, जब बेस सेम हो, जब बेस दोनों का सेम हो और जो हमारा सवाल है वो मल्टीप्लाई का हो। तो आपको बेस को वैसा का वैसा लिखना है और जो भी पावर होगी उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी होगी 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का एक रूल बता दिया है। तो देखिए हम पढ़ तो रहे थे स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर होता है वो बनता कैसे है, तो इसी से बनता है वो। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर बताइए ये सवाल किसका है, मल्टीप्लाई का। और यहाँ पर बेस कितना है, 2। यहाँ पर भी बेस कितना है, 2। तो जहाँ पर पावर कुछ भी ना हो वहाँ पर पावर 1 होती है, कितनी होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का सवाल हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेस को तो आपको ऐसा का वैसा लिखना है और जो भी पावर हो उनको ऐड कर दो। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर होगा क्या,
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, कितना आ गया 4, ठीक है। अब आपको 3 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब सब में वही रूल जो है वो लागू होगा, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर कुछ भी नहीं हो तो कितनी है 1, 1 है, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है और सवाल मल्टीप्लाई का होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पावर को ऐड कर दो, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बोलूँ आपको 4 का स्क्वायर निकालो, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ 5 का स्क्वायर निकालो, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही मैं बोलूँ 6 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करोगे आप, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि 7 का स्क्वायर निकालो, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 49, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 8 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता कितना है 64, ठीक है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। अब वैसे 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, कितना हो गया 81। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब वैसे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। मैं आपको 25 तक स्क्वायर लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। अब देखिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अब देखिए अगर अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, अगर किसी भी हमारे पास नंबर है उसका आपको स्क्वायर निकालना है, उसके लास्ट में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना है, क्या करना है उसका स्क्वायर निकालना है, तो देखिए आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, जिसके लास्ट में क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5, ठीक है। वैलिड ओनली फॉर, ओनली फॉर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5, ठीक है। तो जिसका जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है अगर उसके लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 5 है, ठीक है, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो सिर्फ आपको ये उसी के लिए कर सकते हो। तो जैसे कि आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वेरी गुड। अब यहाँ पर मुझे बताइए टेंस डिजिट पे क्या है 2 है, तो 2 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 का अगला नंबर क्या होता है, तो 2 का अगला नंबर क्या कितना होता है 3। तो इन दोनों नंबर को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 6। तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 है, तो 15 का यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब हम इसके अगर इसका स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास 5 है उसका तो आप स्क्वायर लिख लो सबसे पहले, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेंस डिजिट पे क्या है 1 है,
तो वन का जस्ट अगला नंबर क्या होता है, टू होता है। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो टू को वन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया टू। तो इसका मतलब अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, कितना आएगा 225। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे आप, जब ऐसे करोगे जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हो, तब भी इसका आंसर आएगा 225 ही आएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये 25 तो रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 35 का आपको स्क्वायर निकालना है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब मुझे बताइए टेंथ डिजिट पे क्या है, 3 है, तो 3 का जस्ट अगला नंबर क्या होता है 4। तो जो 3 का जस्ट अगला नंबर आपने 4 लिखा है ना, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो अगर आप 35 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 1225, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट, बाकी ये तीनों आपको खुद करना है, ठीक है। 65 देखिए, अब 65 को आपको स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वेरी गुड। टेंथ डिजिट पे क्या है 6 है, तो 6 का जस्ट अगला नंबर क्या होता है 7 होता है, क्या होता है 7। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42। इसका मतलब अगर आप 65 का स्क्वायर करोगे, 65 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 4225, ठीक है। आप ऐसे भी करके इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको सिर्फ किस में करना है, ये सब तरीके आपको सिर्फ किस में करने हैं, जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो 5 हो, तभी करना है। बाकी और किसी का नंबर हो तो उसमें नहीं करना वैसा, ठीक है। अब देखिए 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 6 30 और 2 32, 6 5 30 और इसका 0 और कैरी 3, ठीक है। 6 6 36 और ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ ऐड करना है अब इसको 5, ये 2, 9 और 3 को ऐड करोगे 12 और कैरी 1, तो ये कितना आ गया आंसर 442। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके लास्ट में 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसको आप इसी तरीके से करना हमेशा, ठीक है। कि एक और मौका देखिए, जैसे कि 45 का स्क्वायर करना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। अब टेंथ डिजिट पे क्या है 4, तो 4 का जस्ट अगला नंबर क्या होता है 5। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये वाली बात ध्यान रखनी है, याद करनी है, ठीक है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20। तो इसका आंसर, इसका जो स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 2025, ठीक है। उम्मीद है आपको स्क्वायर समझ में आए होंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास ये क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें, उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और जो डेलीजेंट क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास नंबर है जैसे कि 225 है, अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।